गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर एक पेड़ मां के नाम को समर्पित पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान के अंतर्गत शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में पारिजात के पौधे को रोपित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण में आ रहे परिवर्तन पर चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष की गर्मी लोगों को लंबे समय तक याद रहेगी। अमूमन गोरखपुर और आसपास के जिलों में 42 से 43 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस वर्ष तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया। इस वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में बाढ़ आई और इससे प्रदेश के 24 जिले प्रभावित हुए हैं। मौसम में यह बदलाव भविष्य के प्रति आगाह करने वाला है। हमें समय रहते सुधार करना होगा, अन्यथा प्रकृति अपने हिसाब से सुधार करेगी। एक लंबे समय तक लोग याद करेंगे कितनी भीषण गर्मी, कितना टेम्परेचर। अमूमन गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में 42-43 तक ही आज से 25-30 वर्ष पहले हम टेम्परेचर देखते थे, लेकिन इस वर्ष 46-47 तक टेम्परेचर को हम लोगों ने देखा। और क्या हालत थी उस समय, ये अत्यधिक गर्मी, हीट वेव, अत्यधिक लू, अतिवृष्टि, असमय बाढ़ आना या कभी सूखा पड़ जाना, ये सभी वे लक्षण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। आपने देखा होगा गत वर्ष बाढ़ अक्टूबर महीने के अंत में आई, जबकि अक्टूबर माह बाढ़ के लिए नहीं होता। अधिकतम 15 सितंबर तक, मध्य सितंबर तक बाढ़ आती थी, लेकिन पहली बार अक्टूबर माह में बाढ़ आई और कभी जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी बाढ़ नहीं देखी होगी, लेकिन इस वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी हम लोगों ने बाढ़ को देखा है। 24 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश के ऐसे थे जो बाढ़ से ग्रसित थे, अभी भी उनमें से कुछ जिले हैं जो प्रभावित हैं। ये चीजें हमें भविष्य के प्रति आगाह करती हैं और हम सबको इस बात की चेतावनी देते हैं कि समय रहते हुए हमें सुधार करना होगा, अन्यथा प्रकृति अपने सुधार का क्रम अपने तरीके से करते हुए दिखाई देगी।